हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड औद्योगिक इकाई से 184 गैस सिलेंडर हुए बरामद। रसद विभाग ने दिया कार्रवाई को अंजाम। 153 खाली व 31 भरे सिलेंडर किए गए बरामद। आबू रोड में रसद विभाग की ओर से शुक्रवार देर रात औद्योगिक इकाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 184 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें घरेलू वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाई के 153 खाली, साथ ही 31 गैस सिलेंडर को कब्जे में लिया गया। प्रदेश में अवैध गैस सिलेंडर को लेकर कार्रवाई का दौर जारी है। जिला रसद अधिकारी राहुल राज जादौन के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक व सहीराम चौहान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक औद्योगिक इकाई में बेचान के लिए लाए गए वाणिज्यिक, घरेलू व औद्योगिक उपयोग में आने वाले गैस सिलेंडर की बड़ी खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। इस मौके पर मिले सभी गैस सिलेंडर सिरोही इंडेन गैस को सुपुर्द कर दिए गए हैं। पूछताछ में बशीर खान व्यक्ति ने बताया कि वह पाली सोजत से चामुंडा गैस एजेंसी से बेचान के लिए गैस सिलेंडर लाया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राहुल राज दोन जिला रसद अधिकारी सिरोही, इन्होंने ये कहा। आबू रोड में यहाँ अर्बुदा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ चेकिंग करने आया तो मुझे लगभग 150 से 180 सिलेंडर के आसपास यहाँ मुझे मिले, जिसमें से कुछ खाली थे, कुछ भरे हुए थे। तीनों चारों कैपेसिटी के सिलेंडर मिले, घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर, नॉन डोमेस्टिक जो कमर्शियल यूज में आते हैं, उसके अलावा जो बड़े सिलेंडर होते हैं 42 किलो वाले, वो भी मिले, और 5 किलो वाले सिलेंडर भी मिले। जब यहाँ ये काम करने वाले बशीर खान हैं, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, ना इनके पास कोई लाइसेंस था ये इन सिलेंडरों को रखने में, और ना ही इनके पास कोई वैध कागज़ थे गोदाम से संबंधित। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। फिर हमने ये जब्ती की कार्रवाई की, अब आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसको करेंगे। कलेक्टर साहब के तत्वाधान में जो भी जैसा आदेश करेंगे साहब, उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई। सर, कहाँ से लाया था? अब इनसे पूछताछ की गई तो ये बता रहे हैं कि इनकी कोई गैस एजेंसी है, चामुंडा गैस एजेंसी, वहाँ से लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। ये एक्चुअली इनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो बिल प्रोड्यूस किया है इन्होंने, ये भी आज का किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है, और इन्होंने आनन फानन में किसी ना किसी तरह की यार कार्रवाई से कैसे बचा जाए, कुछ सिलेंडरों का इन्होंने बिल पेश किया, लेकिन वो सिलेंडर भी जिन सिलेंडरों का बिल पेश किया है वो भी सिर्फ 45 किलो वाले हैं, बाकी सिलेंडरों का कोई हिसाब नहीं है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, मामला किस तरह का उपयोग करता है सर ये? एक्चुअली इनसे ज़्यादा पूछताछ हुई तो इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से सस्ती दरों पर इन सिलेंडरों को खरीदते थे, और इनके मार्केट में जहाँ भी इनको मिलता था कि यहाँ बेच सकते हैं, वहाँ बेचते थे इनको। और एक्चुअली क्या है कि ये इस तरह से संग्रहण करना सिलेंडरों का, ये गलत चीज़ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, और यहाँ खुले में सिलेंडर रखे हुए हैं, ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है और भरे हुए सिलेंडर रखे हैं, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि अगर इसमें किसी भी सिलेंडर में आग लग जाती है तो फिर उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर होना, तो फिर ये मान लो आपकी आसपास का पूरा एरिया ही बहुत डेंजर में आ जाता है, तो इसी वजह से कार्रवाई की। सर, आगामी कार्रवाई क्या है? कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि एडीएम साहब ने और कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि यहाँ कहीं भी अवैध रिफिलिंग या अवैध संग्रहण हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो उन्हीं के आदेशों की पालना में हमने कार्रवाई की है, और ये रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे, कलेक्टर साहब फिर मुकदमा दर्ज करके जो भी आगे की कार्रवाई हो कलेक्टर साहब करेंगे। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।